नमस्कार, मैं हूं अमृता राय। आज चुनाव यात्रा राबड़ी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के साथ। मीसा भारती को आरजेडी ने पाटलिपुत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है और मीसा भारती की उम्मीदवारी के साथ ही ये मुकाबला इस इलाके में बहुत दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि उनके खिलाफ खड़े हैं उनके चाचा रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार बनकर। आइए आपको दिखाते हैं कि 20 दिनों की उनकी चुनाव यात्रा किस तरह की रही, कैसा उनका अनुभव रहा और आने वाले दिनों में वो अपने समर्थकों के साथ किस तरह से चुनाव प्रचार करती हैं और जीत का, उनकी उम्मीदों का किस तरह से भरोसा जताती हैं। सत्रह अप्रैल के मतदान के लिए प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तमाम उम्मीदवारों की तरह मीसा भारती भी अपनी मां के घर में रहते हुए सुबह से लेकर रात तक समर्थकों के बीच ही डटी रहती हैं। प्रचार पर निकलने से पहले ही घर में समर्थकों का तांता लगना शुरू हो जाता है और किसी को सूचना देनी होती है, किसी को अपनी समस्या बतानी होती है, मीडिया को भी जवाब लेना होता है। मीसा के लिए ये माहौल नया नहीं है, पर अपनी उम्मीदवारी के बाद वो कुछ और ज्यादा मैच्योर लगती हैं। क्या नाम है इनका? डॉली गौरी। सुबह सुबह सबसे मुलाकात, सत्तू का नाश्ता और पति के साथ चुनाव रणनीति बनाने के बाद ही वो प्रचार पर निकलती हैं। मीसा जब दिन में प्रचार के लिए निकलती हैं तो पति बेटे को संभालते भी हैं, घर भी देखते हैं और चुनाव की रणनीति भी बनाते हैं। लोग क्या कि कन्वेंशनल मेथड है कि लोग निकल जाते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं। हमने जो किया है, हमने थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा को लेके, और जैसे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट के हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए। फिर हमने हमारे पास कितने दिन हैं, कितने घंटे वो बचे हैं, उस हिसाब से हमने रूट प्लानिंग किस एरिया को क्या देना है, तो वो प्लानिंग हमने पहले एलोकेशन कर लिया अपना टाइम और रूट का। फिर उसके बाद सेलेक्टिवली फिर वहाँ के वर्कर्स को और वहाँ समाज के कौन से वर्ग हैं, कहाँ कहाँ हमें किससे टारगेट करना है और इन द पास्ट हमारे क्या वोट्स रहे हैं, तो उन सबको स्टडी करते हुए ये पूरी प्लानिंग करते हैं। तो मैं बैक एंड देखता हूँ और फिर उस प्लान के हिसाब से मीसा उन क्षेत्रों पे काम करती है। मीसा को अपने 16 लाख मतदाताओं की चिंता है, हर लम्हा कीमती है, इसलिए वक्त गंवाए बगैर सुबह 9 बजे से ही वो घर से निकल पड़ती हैं अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं से मिलने। वैसे तो पाटलिपुत्र के इलाके में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 20 दिनों से चल रहे उनके चुनाव प्रचार में आज का दौरा फुलवारी शरीफ इलाके में है। पटना से कोई 8-9 किलोमीटर की दूरी पर पुनपुन के आसपास 30 गांव के लोगों से आज उनकी मुलाकात का दिन है। सड़क से ही स्वागत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फॉर्च्यूनर की बड़ी सी गाड़ी में बैठी मीसा का काफिला जब इलाके के आसपास पहुंचता है तो कई महिलाएं उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं। पास पहुंचकर कुछ हाथ से छूने की भी कोशिश करती हैं तो कुछ शिकायतें भी करती हैं। लालटेन का है, लालटेन हमने का चुनाव चुनावाना था ना, कि गरीब का निशानी लालटेने है, दुख में सुख में लालटेने काम आवे। हाँ हाँ, और बताना चाहेंगे, सबसे बताना भी जरूरी है कि विरोधी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डर्टी ट्रिक्स पे आ गए हैं। वो यही कहते हैं घूम घूम कर सब जगह जहाँ भी जाते हैं, कहते हैं क्योंकि मीसा बड़े बाप की बेटी है तो आप तो बीच में नहीं आएगी, तो उनको पता नहीं है कि एमपी बनने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो राज्यसभा होता है जहाँ जनता की जरूरत नहीं होती है, और लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ जनता का ही जरूरत होता है, उनके आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो मेरी उम्र 38 साल है और चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होता है, तो 15 साल हम चाहते तो राज्यसभा चले जाते, आपके बीच आज हम नहीं आते वोट मांगने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमेशा अपने बीच में पाएंगे। मीसा का तौर तरीका बहुत कुछ अपने पिता से मिलता है। चुनाव में पहली बार उतरने के बावजूद वो बहुत सहज भी लगती हैं।
और अब हम लौट रहे हैं पुनपुन के जाहिदपुर इलाके से। मीसा भारती ने यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात की, उनका अनुभव कैसा रहा? आप दूसरी बार इस इलाके में आई हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, बट वही आके वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं उससे ऊपर अभी इलेक्शन का, क्योंकि लास्ट जो MP यहाँ के रहे हैं उनका नाम तक नहीं जानती, पूछा जाता है तो लालू जी और राबड़ी जी का नाम ये लोग लेते हैं कि वही है। और अच्छा, आपको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, उनकी शिकायत भी मुझे अच्छी लगती है और वो आशीर्वाद भी फाइनली वही देती हैं कि आप ही को हम लोग। आप इस इलाके में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, दोबारा आई हैं, आपके भाई भी यहाँ पर आके घूम के गए। माना जाता है कि इस इलाके में तकरीबन 30 पंचायत हैं जहाँ पर आप लोगों का एक तरह से वोट बैंक है और वोट का कटोरा कहा जाता है, तो कटोरा इस बार भरेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ के लोग कहते हैं आपके आने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वहाँ जब तक मैं ना पहुँचूँ तो वहाँ की समस्या भी मैं नहीं समझ सकती वहाँ के लोगों की। और क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये यादव बाहुल क्षेत्र है यहाँ पे, और सब लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और एक जो गांव-गांव तक पहुँचने की कोशिश है मेरी वो मैं कर रही हूँ। आप बार बार महिलाओं की समस्याओं का ज़्यादा जिक्र करती हैं, आप भी एक महिला हैं और पहली बार चुनाव में उतरी हैं, तो आपको अपने घर में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है ये चुनाव लड़ते हुए? देखिए, मुझे घर में संघर्ष तो नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हम 7 बहनें हैं। सबसे पहले फैमिली की तरफ से बताऊँ तो हम 7 बहनें, 2 भाई हैं, और कभी भी हमें ये नहीं फील हुआ कि हम लड़की हैं या लड़के को ज़्यादा मिलती है तवज्जो घर में। लेकिन अपने अपने बच्चे परिवार सबको छोड़ के तो राजनीति में आना पड़ रहा है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मैं अभी 38 ईयर्स की हूँ और चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होती है, तो 15 साल पहले भी मैं चाहती तो आ सकती थी, लेकिन उस समय बच्चे मेरे छोटे थे। अब बच्चे बड़े हो गए, डिपेंडेंट हो गए अपने आप, और फैमिली क्योंकि मेरी बहुत बड़ी है और इन लॉज का भी सपोर्ट रहता है, तो अब वो फैमिली की तरफ से अब फ्री हूँ और अब मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, तो अब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ही समय निकाल पाऊँ। और मैंने इसलिए भी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र इसलिए भी चुना कि क्योंकि पटना से कनेक्टेड है, और मतलब मैं सुबह जाके पूरे दिन घूम के भी घर वापस आ जाती हूँ। अच्छा, आपने एक बात कही कि आपने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र चुना, तो ये आपका चुनाव था, आपके पिताजी यानी RJD अध्यक्ष का चुनाव था, या कैसे तय हुआ था ये? देखिए, ये सीट डिलिमिटेशन में ये सीट नई सीट बनी थी 2009 में, ये नई सीट बनी थी जिसको पाटलिपुत्र का नाम दिया गया था, और वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे पिता भी हैं वो चुनाव लड़े थे 2009 में और हार गए थे। और हार के कारण तब थे, बहुत सारे कारण थे, हमारे अंदरूनी कारण भी रहे, और तब वो JDU और BJP इकट्ठे लड़े थे, और वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पिताजी दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक छपरा से और एक पाटलिपुत्र से, और क्योंकि उनको पूरे बिहार पे ध्यान देना होता था तो इस सीट पे शायद कम समय दे पाए, और लोगों का था कि इस बार का 2014 का चुनाव में वो चाहते थे कि फैमिली की तरफ से ही कोई आए, क्योंकि जनता वहाँ की मांग रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हो गए थे जो हमारे। अच्छा, BJP और JDU इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा फ़ायदा, क्योंकि दोनों अलग अलग लड़ रही हैं और मुकाबला एक तरह से त्रिकोणीय बनता, लेकिन अभी जिस तरह से लोग MP को जानते ही नहीं है तो वो तो BJP और नए जो उम्मीदवार हैं BJP और RJD के बीच में ही हैं। आप राजनीति में बिल्कुल नई नहीं हैं, लेकिन राजनीति को कितना ठीक से समझ पा रही हैं? क्या आपको चुनाव में मैदान में उतर कर ज़्यादा राजनीति समझ में आ रही है जितना घर में बैठ के नहीं आती थी? नहीं, राजनीति समझ तो थी, लेकिन चुनाव का अनुभव एक डिफरेंट अनुभव होता है, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आपको शिकायतें भी मिलती हैं, कहीं पर आपको बहुत प्यार मिलता है, तो मुझे प्यार वाले से ज़्यादा शिकायत वाला ज़्यादा पसंद में आता है, क्योंकि वो तुरंत बेचारा गुस्सा करके शिकायत करके और फिर वो एकदम आशीर्वाद आपको दे देते हैं, और जो आपके साथ हैं वो तो है ही। तो आपको शिकायत क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आपको ये पता चलता है कि रियलिटी क्या है? नहीं, मैं
दस साल से मैं यही सुन रही थी कि विकास हो गया विकास हो गया। कोई कहता था चीन से आगे निकल गया बिहार, कोई कहता था अमेरिका से आगे निकल गया बिहार। लेकिन जब मैं आज आती हूँ देखती हूँ तो सड़कें नहीं हैं, पीने सबसे ज़रूरी सड़कें तो बाद की बात है, पीने का पानी नहीं है। महिलाएँ बोलती हैं पीने का पानी नहीं, आज भी वो टॉयलेट के लिए सड़क पर जाती हैं, वो सब भी सुविधा नहीं है गाँव के अंदर। तो इसलिए मैं बार बार महिलाओं की बात करती हूँ, क्योंकि अगर उनका ध्यान रखा जाए, जो आधी आबादी भी हैं आज की देश की, और हेल्थ उनका हाइजीन प्रॉब्लम होता है, जो लड़कियां आजकल स्कूल शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिरा हुआ है यहाँ पे पाँचवीं। लेकिन मैंने जब यहाँ के लोगों से बात की तो ये लोग बता रहे थे कि हमने तो लालू जी और राबड़ी जी का राज देखा है, तकरीबन डेढ़ दो दशक का आपकी भी पार्टी का राज रहा, और लोग नीतीश जी को उतना नहीं याद करते जितना आपको याद करते हैं, तो कहीं आपको उनकी उम्मीदों का बोझ नहीं समझ में आता है, जो आप लोगों ने भी तो इतने साल राज किया और कुछ नहीं दिया? नहीं, हमने राज किया। आज भी जिन लोगों से आपने बात की, अगर आप पूछे तो कहेंगे कि हाँ लालू जी ने ही वो ही काम किया था, जो भी हमारे उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने जो इतना काम किया पिछले 10 साल से, एक ईंट भी, लोग कहते हैं कि सरकार के नाम से एक ईंट भी गांव तक नहीं पहुंची है। सड़क कई एक बार क्या कहते हैं, लास्ट इलेक्शन में इन लोगों ने सड़क बनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, जो केंद्र से फंड आता है, आप जो उन सड़कों को देख लीजिए, उनको नीतीश जी कहते थे कि ये हमने सड़क बनाई है। और जो आप स्टेट का सड़क आप देख लेंगे तो आपको अब, लेकिन उन लोगों को भी इस बार 2014 में पता चल गई है कि ये सड़क नीतीश जी ने नहीं बनवाया, ये तो प्रधानमंत्री फंड से बना हुआ है। तो इस वजह, ये भी एक वजह रही थी, हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाते, और ये लोग बहुत दूसरे का किया हुआ काम भी अपने नाम से ये लोग भुना लेते। तो आप ये मानते हैं कि आप लोग अपने मीडिया कैंपेन में थोड़ा पिछड़ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी गरीब की पार्टी है और हमारे पास इतना फंड होता नहीं है, लोगों की कमी नहीं, हमारे पास जनता कमी नहीं है, वोट की कोई कमी नहीं है। मीसा, एक और बड़ा सवाल है, वो बड़ा राजनीतिक सवाल आपके इस चुनाव लड़ने से खड़ा हुआ है, वो ये कि क्या आरजेडी की लालू यादव जी की विरासत उनकी बेटी संभालेंगी? नहीं, मुझे ये एक बड़ा अजीब सा सवाल, अलपटा सा सवाल लगता है कि विरासत, देखिए राजनीति के अंदर कोई विरासत नहीं होता है, और ये कोई राजा रानी की कहानी तो है नहीं कि राजा अब थक गया है तो अब अपने बेटे को या बेटी को विरासत समझाते हैं। हाँ, मुझे मिला है वंशवाद का आरोप भी लगता है और इस तरह के जो आरोप लगते हैं, और जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। और मैं तो अभी अब पाटलिपुत्र एक सिंपल एक MP का चुनाव लड़ रही हूँ, और राजनीति के अंदर हेरिटेजवाद या विरासतवाद नहीं है आप कह रही हैं, लेकिन लालू जी जब जेल गए तो राबड़ी जी ही मुख्यमंत्री बनी, इसको कैसे भूला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि लालू जी के चाहने पे मेरी माँ चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, तब हमारे विधायकों ने उन्हें चुन करके बनाया था, और विधायक जिसको चाहे उसको चुन करके मुख्यमंत्री बना सकता है। इसका मतलब आप ये कह रही हैं, उसके बाद विधायक ने चुन के बनाया, दोबारा वो जनता का विश्वास जीत करके मुख्यमंत्री बनी, एक बार नहीं दो दो बार बनी। लेकिन इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर जनता का विश्वास आपके पक्ष में हो तो RJD को आप आगे बढ़ाएंगी, और जनता का विश्वास आपके भाई के पक्ष में होगा तो वो आगे बढ़ाएंगे? जनता का विश्वास अगर आपके पक्ष में आ गया तो? नहीं नहीं, यहाँ कोई परिवार की ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन जनता जिसको भी चाहे और तो वो आगे आएगा, ज़रूर आएगा, और हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाता है, ना कि किसी एक के भरोसे। और अब हम पहुँचे हैं पुनपुन प्रखंड के पंवार गांव में, मीसा का ये चुनावी दौरे का 10वां पड़ाव है, और यहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं उनके इस दौरे से। कुछ लोगों से पूछते हैं कि दरअसल मीसा और RJD के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें वो किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं आप मीसा जी के बारे में? मीसा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हमारे बहुत यहाँ बहुत काम करेंगे, विकास का बहुत बड़ा काम करेंगे, इसलिए कि नए कैंडिडेट हैं, इन पे न कोई दाग है न कुछ है, और ये बहुत आगे बढ़ाने के काम। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू जी पे दाग है? नहीं, लालू जी पर भी दाग नहीं, वो हमारे लालू जी का ही पुत्री हैं, वो लालू जी ही भेजे हैं लड़ने के लिए, ऐसी बात नहीं है। उनको इलेक्शन में दिक्कत हो गया, इसके कारण वो अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पंवार गांव में एक तरफ आप मीसा को देख रहे हैं कुर्सी पर खड़े होके, वो लोगों को संबोधित कर रही हैं, लोगों को खुशी हो रही है उनकी बातों को सुन के, लेकिन दूसरी तरफ गांव के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप मीसा जी को इतनी दूर से देख रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों? दरअसल बात यह है कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या कह रहे हैं उनका हम समझ नहीं रहे हैं, और इसीलिए हम दूर से उनको देखने के लिए हम खड़े हैं। लेकिन वो राजनीति में क्या स्टैंड रखते हैं ये तो समझते हैं ना आप? हाँ, समझते तो हैं।
तो किसके साथ हैं? क्या आपको उनकी राजनीति ठीक लगती है? अभी तो मेरे ख्याल है इनका लालू जी के हम लोग चिंते हैं, राबड़ी जी को चिंते हैं, और इनका अभी तो हम खड़े हुए नया हम लोग देख रहे हैं। तो पहली बार मीसा को देख रहे हैं, लालू राबड़ी की बेटी को पहली बार देख रहे हैं जी, तो इसीलिए देखने के लिए खड़े हैं कि कैसी है बेटी। हाँ तो देखना जरूरी ला है। तो परख भी रहे हैं कि ये राजनीति में चल पाएगी कि नहीं? परखने के लिए तो परख ही लेंगे। किसको वोट दोगी? निशा देवी को। निशा देवी को क्यों? तुमको उनको संस्कार अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा उनका? बहुत कुछ अच्छा लगा। क्या क्या? उनको विचार स्वभाव अच्छा लगा। पहले लंटेन यही में देरी खराब हो चुकी, यही में देवे के दे बाकी अब तू अपना दिल में जो कुछ कह सकला है, समझ ला? हमें जब दे जब उनका वोट, जब दे जब उनका। तो सब यहाँ पर बोलने को आतुर हैं और सब ये चाहते हैं कि उनकी बात को हम रिकॉर्ड कर लें ताकि वो ये दर्ज कर सकें कि दरअसल वो आरजेडी के कितने बड़े समर्थक हैं। जिंदाबाद 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 समर्थकों के साथ मीसा भी रेलवे का ट्रैक पार करके अब दूसरे गांव में पहुंच गई हैं। यहां महिलाएं ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही हैं। समर्थकों ने बताया कि छठ का पारण करके सो रही हैं। किस तरह का रिस्पांस लोगों का आपको मिल रहा है? ये रिस्पॉन्स तो अच्छा है, बार बार वही सवाल वही पर अटक जाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, क्योंकि अब पिछले साल जो भी वर्तमान सांसद रहे हैं 5 साल तक अपने इलाके में घूमे नहीं, यहाँ तक कि कोई नाम भी उनका नहीं जानता है। इससे पहले वाला जो पड़ाव था जहाँ पर लोगों ने कई तरह के सवाल पूछे, सब लोग वोट मांगने चले आते हैं, कहते हैं कि बटन दबाओ बटन दबाओ, तो कुछ रिजेंटमेंट भी था क्या? नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो क्योंकि देख चुके हैं कि पिछले जो सांसद रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो एक बार जब चुनाव आता है सब लोग वोट मांगते हैं और काम उनका पूरा नहीं हो पाता, काम इतना ज़्यादा है कि वो भी एक मुश्किल भी होता है। और सब लोग गवर्नमेंट को आजकल देखते हैं कि अगर कोई हम वोट दे रहे हैं तो वो सारा काम करे हमारा। 15 साल लालू जी रहे बिहार में, आज तक हमारे गाँव में कभी नहीं आए, यहाँ से पिछले बार MP के चुनाव भी लड़े लेकिन नहीं आए, उनकी बेटी लड़ रही तो आई है, तो क्या आपको बताएं, 15 साल शासन भी किए। लेकिन 5 साल जो पीछे JDU का शासन रहा उसका कैसा अनुभव रहा? JDU का शासन तो ठीक है लेकिन अनुभव तो उसका बढ़िया, हमारे गांव में रोड है, बिजली है, सब कुछ व्यवस्था बढ़िया है। अब उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, यहाँ लोगों की संख्या कुछ ज्यादा है। कुछ लोग पारंपरिक तरीके से स्वागत कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर तमाशबीन भी है। लालू प्रसाद जी के सम्मान लेकर के आई है और आपको कहने के लिए आई है निशाबर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन जब आप अपने पिताजी के लिए, चाचा जी के लिए, माँ के लिए वोट मांगती थी और जब अपने लिए वोट मांगती हैं तो क्या फर्क दिखता है? क्या वोट मांगना दूसरों के लिए ज्यादा आसान लगता है और अपने लिए ज्यादा कठिन है? नहीं, मुझे लगता है कि अपने लिए वोट मांगना ज़्यादा आसान है क्योंकि आप क्या करना चाहती हैं आप बता सकती हैं, लेकिन दूसरे क्या सोचते हैं वो आप उनको उन तक आप नहीं पहुंचा पाती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जगह, या पहले तो आपको दूसरे के लिए वोट मांगना होता है तो आपको बताया जाता है कि ये कह के वोट मांगना है, मुझे अपने लिए बताना नहीं पड़ता किसी को, मैं खुद ही अपने लिए वोट मांगती हूँ। यहाँ की बहू यहाँ के लोगों को क्या देने जा रही है चुनाव बाद अगर जीतती है? देखिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जब मैं घूम रही हूँ तो मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है, तो मैं बहुत बड़े वादे नहीं कर रही हूँ लोगों से क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ उस तरह की। लेकिन मेरी सोच थी क्योंकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र पटना से लगा हुआ है और क्योंकि पटना में डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है तो हम न्यू पटना की तरह पाटलिपुत्र को देख सकते हैं। वहाँ पर अभी IT खुला है, अभी जो हमारी गवर्नमेंट के समय ही आया था अभी बन रहा है वहाँ पर, तो हम उसको चाहते हैं क्योंकि मैं एक एजुकेटेड हूँ, डॉक्टर हूँ और चाहती हूँ कि नौजवानों के लिए कुछ हो, तो उसको मैं चाहती हूँ कि IT और एजुकेशनल हब की तरह डेवलप किया जाए। मीसा यहाँ पर IT खुलवाने का श्रेय ले रही हैं लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर स्कूल तक नहीं है। स्कूल है? हाँ, देखो ना कितना बढ़िया। आपके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? तो माता रही ना, पढ़ती कहाँ? गाँव के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ना स्कूल है ना कुछ है, एक सामुदायिक भवन या स्कूल होना चाहिए, एक
कि जहाँ आदमी बैठ सके, गरीब गुरबा का आए, शादी ब्याह हो, वहाँ बैठने का व्यवस्था हो, यहाँ कुछ नहीं है। अब दोपहर 2 बजे का वक्त है। उन्होंने एक दर्जन गांवों का दौरा कर लिया है, लेकिन दोपहर के खाने की परवाह नहीं है। कहती हैं जब भूख लगती है कार में रखे फल वगैरह खाकर पानी पीकर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन समर्थकों का हौसला कुछ कम होने लगा है। 32 डिग्री के तापमान में जब सूरज सिर पर आ जाता है, सब अपने अपने लिए छांव की तलाश में लग जाते हैं। मीसा का काफिला कुछ कम हो जाता है, मगर मीसा हर छोटे छोटे गांव में लोगों से मिलने के लिए अंदर चली जाती हैं। किसी से जाति, किसी से रिश्ता और किसी से अपने पिता का नाता जोड़ती हैं। 6 विधानसभा के लगभग सारे विधानसभाओं को हमने टच कर लिया है। कुछ जो विक्रम और पाली का कुछ इलाका है वो कुछ छूटा हुआ है। पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी, लोग नहीं कर पाए थे, तो अपने कार्यकर्ताओं को भी सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि वो भी लोगों को एजुकेट। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी लास्ट इलेक्शन में वो थी मॉक वोटिंग। मॉक वोटिंग सुबह में 5 बजे होती है और हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं था। वो पुराने स्टाइल से वो पहुंचे आराम से 7 बजे वोटिंग के समय। तब तक मॉक वोटिंग में जो इन लोग, खासकर बीजेपी वालों को ये पता था कि मॉक वोटिंग क्या होता है। उसमें होता है कि 100 वोट डलवाना होता है, फिर डिलीट करवाना होता है। उन्होंने अपना तो डिलीट नहीं करवाया, हमारा डिलीट करवा दिया। अब एक बूथ पे 100 वोट जा रहा है तो तकरीबन 1600 बूथ है, तो 1,60,000 वोट उनका ऐसे ही बढ़ जा रहा था। तो यही वजह थी हमारे हार की, मेन वजह थी। इसी को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे और जो भी ऑब्स्ट्रक्टर्स के रूप में हम लोगों ने लास्ट इलेक्शन में आइडेंटिफाई किया, हमने उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं। उदय बताते हैं कि इलाके में 16 लाख वोटरों में MY यानी मुस्लिम और यादव वोटरों की संख्या करीब 6 लाख है। 24 से 25% यादव वोट और 12% मुसलमान। हालांकि इस कमिटेड 6 लाख वोटरों का भरोसा पिछली बार लालू प्रसाद यादव नहीं जीत पाए थे। एक एज एन इंडिविजुअल अगर आपकी मनोभावों की बात करें, अगर आप पहली बार चुनाव में लड़ने के लिए उतरी हैं और जिस तरह का कंटेस्ट है आपके सामने में, कहीं आप अपने आप को अर्जुन की भूमिका में तो नहीं देख रही? बिल्कुल, मेरी भूमिका बिल्कुल अर्जुन वाली स्थिति हो गई है कि अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। लेकिन आपको कन्विंस करने वाला कौन है? लेकिन फिर अब वो लोग ही ज़्यादा क्लियर कर दिए इस तरह का। मेरे चाचाओं के तरफ से ही ज़्यादा अब साफ होता जा रहा है कि अब अपने आप को, अब उस रिश्ते से मैं अब अपने आप को हटाते जा रही हूँ, क्योंकि बहुत कोशिश की। आज भी व्यक्तिगत रिश्ते उनसे हैं, मेरे चाचा हैं, रहेंगे, क्योंकि संस्कार हम भूलते नहीं हैं। चाचा आज भी रहेंगे, वो चुनाव के बाद भी। लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई आपको टिकट देने में? आप चाहती तो लालू यादव की बेटी थी, किसी भी और सीट से चुनाव लड़ सकती थी और जीत सकती थी। नहीं, जैसे मैंने कहा, इस प्रश्न का मैंने बहुत मीडिया में भी पूछा गया था। मैंने कहा कि क्योंकि ये सीट मेरे फादर ने लड़ा था और यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार हो गए थे, पार्टी तय नहीं कर पा रही थी, और सबका, जनता का भी और वहाँ के लोगों से भी पूछा गया, पूछ के ही तय किया गया। उन्होंने कहा कि फैमिली से किसी को आप टिकट दीजिए, क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी में भी पूछा गया था, जो चाचा आज हल्ला कर रहे हैं उन्होंने भी इसको बोला था, और पार्टी में कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे टिकट दें। उन्होंने आज तक मतलब कहा नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कभी भी पार्टी के अंदर ये बात रखी नहीं। जब मेरी उम्मीदवारी हो गई उसके बाद ही उन्होंने मीडिया में कहना शुरू किया कि मैं ये सीट से लड़ना चाहता था। तो घर में कभी नहीं कहा और ना ही पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम पे कभी कुछ कहा? कभी भी नहीं पार्टी के फोरम में। आज आप अगर आप उनसे मिले तो ये सवाल। तो फिर आप ये बताइए कि कभी पार्टी के फोरम पे बात नहीं हुई, कभी पर्सनली बात नहीं हुई, तो अचानक ये उनका विरोध क्यों देखने को मिला? मुझे लगता है ये बहुत पहले से मन बना चुके थे, क्योंकि पूर्णिया के एक सांसद हैं उदय सिंह उर्फ पप्पू, बीजेपी से सांसद हैं। मुझे अभी पता चला जब कि उनके नाना के नाम से एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, ट्रस्ट में चलता है वो कॉलेज, और इन्होंने अपने फंड से 72 लाख रुपए वहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे। और जब क्षेत्र की जनता इनसे पैसे के लिए आती थी, मांगती थी कि हमारे लिए आप, क्योंकि हमारे सांसद हैं और हो सकता है आप लड़ते पहले, तो ये 2013 से ही ये तय कर चुके थे कि इनको बीजेपी में जाना है। इसीलिए आप एक सीरियस एलिगेशन लगा रही हूँ? बिल्कुल, इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब बिल्कुल कनेक्ट होते जा रहा है। जिस तरह से एविडेंस मिल रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि इनका मन पहले से था पार्टी को छोड़ने का।
हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीत के वो तमाम काम कर सकें जिसकी लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग दूसरे राजनीतिक दलों से खफा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मिसा।